अकबरनगर थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर गांव में मंगलवार को वह दो लोगों के आपसी विवाद में चली गोली। रास्ते से जा रहे श्रीरामपुर गांव निवासी गौतम चौधरी के 13 वर्षीय पुत्र दिव्यांशु कुमार गोली लगने से गंभीर रूप से जख्मी। जख्मी हालत में आसपास के ग्रामीणों एवं परिजनों द्वारा उठाकर थाने लाया, जहां आवश्यक कार्रवाई कर इलाज के लिए भेजा। गोली चलने की घटना के बाद पुलिस आनन फानन में घटना स्थल पर पहुंची और गोली चलाने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी में जुट गई है। गोली चलने की घटना गांव में आग की तरह फैली और देखते ही देखते लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इधर गोली में घायल बालक की मां ने थाना में लिखित आवेदन देकर 4 लोगों को नामजद कर आरोपी बनाया है। इस बाबत जख्मी बालक की मां सोनी देवी ने थाना में आवेदन देकर बताया है कि मंगलवार को सुबह करीब 8:30 बजे मेरा बेटा दिव्यांशु गांव के ही दुकान में सामान खरीदने गया था। इसी दौरान देखा एक जगह कुछ व्यक्ति आपस में झगड़ रहे थे। उसी वक्त एक पक्ष के विजय महतो गुड्डू कुमार, राजेश कुमार एवं कुंदन कुमार पिता विजय महतो सभी श्रीरामपुर वासी ने गाली गलौज करते हुए गुड्डू कुमार ने गोली चला दी, जो कि हमारे बेटे दिव्यांशु के हाथ में लग गई। उन्होंने थाना में लिखित आवेदन देकर बताया है कि यह सभी लोग मनबड़ू प्रवृत्ति के एवं सनकी हैं। गांव घर में मामूली सी झगड़ा पर आपस में गोली चला देता है। इनका साठ गांठ गलत प्रवृत्ति के लोगों से है। उन्होंने थाना में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। इस बाबत थाना प्रभारी रंजन ने बताया कि जख्मी बालक के मां के बयान पर मामला दर्ज कर लिया गया है। नामजद सभी आरोपी के गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।